Assalamualaikum viewers, welcome to our VPhysics channel. We are going to study the domains and range of a single variable functions. और आज के लेक्चर में हम देखेंगे domains of a single variable functions. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि single variable functions क्या होते हैं. तो अगर हमारे पास कोई भी function है, let's say वो y है, तो वो y completely express किया गया हो in terms of a single variable, जो कि x हो सकता है, जो कि s हो सकता है, जो कि t हो सकता है, किसी भी नोटेशन से वो एक्सप्रेस किया गया हो, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल हो उस फंक्शन में, तो वो फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू. अब इसमें y जो है ये एक फंक्शन है जो कि कम्प्लीटली एक्सप्रेस किया गया है एक सिंगल वेरिएबल की टर्म में, जो कि है x. सो दिस इज़ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन. And another example could be like y is equals to 1 over under root t, y is equals to 1 over 2x plus c. So, ye tamam, where c is a constant. So, ye tamam functions jin mein y ko, jo ke ek dependent variable hai, usse express kiya gaya ho only one independent variable ki term mein, then wo sare functions single variable functions kehlayenge. So, डोमेन ऐसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन की क्या होगी? तो एक्स की वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़, या जनरली अगर हम कहें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो तमाम वैल्यूज़ जो उस फंक्शन वाई को ना ही इन्फिनिट बनाए और ना ही कॉम्प्लेक्स बनाए, वो तमाम वैल्यूज़ उसकी डोमेन कहलाएंगी. सो इन कंडीशंस को अपने माइंड में रखते हुए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की डोमेन्स फाइंड करेंगे, या फिर जब भी आपके सामने कोई भी एक फंक्शन दिया जाए कि आप इसकी डोमेन फाइंड करें, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो फंक्शन किस टाइप का है. तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इस टाइप का है, तो आप इन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए, जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनको फॉलो करते हुए उनकी डोमेन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ लीनियर फंक्शंस. हम जानते हैं लीनियर फंक्शंस कौन से होते हैं. ऐसे फंक्शंस जिनमें एक्स की हाईएस्ट पावर वन हो, उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव एक्स प्लस अंडर रूट फाइव, एंड सो ऑन. इस तरह के तमाम फंक्शंस जिसमें एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो, उन्हें हम लीनियर फंक्शंस कहते हैं. और इन फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना सबसे ईजीएस्ट काम होता है. वो क्यों? क्योंकि इनकी डोमेन जो है रियल नंबर्स होती हैं, क्योंकि इनमें एक्स की कोई भी वैल्यू वाई को ना ही इन्फिनिट बना सकती है और ना ही कॉम्प्लेक्स बना सकती है. तो डोमेन ऑफ सच लीनियर फंक्शंस इज सिंपली द सेट ऑफ रियल नंबर्स. उसमें हम एक्स की तमाम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इन्हें इन्फिनिट बनाए या कॉम्प्लेक्स बनाए. तो हमेशा हम एक्स की वो वैल्यूज़ डोमेन में से इरेडिकेट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स से इरेडिकेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, जो उसे इन्फिनिट बना रही हैं या कॉम्प्लेक्स बना रही हैं. तो जब भी हमारे सामने लीनियर फंक्शंस आएंगे, तो उनकी डोमेन सिंपली सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, और उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज दैट, ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट से क्या मुराद होता है? कि वो नंबर जो कि इस ओपन ब्रैकेट के आगे लिखा है या पीछे लिखा है, वो उस सेट के इंक्लूडेड नहीं है. क्योंकि माइनस इन्फिनिट एंड प्लस इन्फिनिट हम इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ मेकिंग इट इन्फिनिट. सो माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट के अलावा उनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, वो पुट किए जा सकते हैं y में. सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस हैं रूट फंक्शंस विद इवन रूट्स. इवन रूट्स से मुराद है कि उनकी जो पावर है वो 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 4 है, 1 ओवर 6 है, या फिर इसी तरह की है. इसमें ऑड पावर्स के बारे में नहीं बोला गया, लाइक 1 ओवर 3, 1 ओवर 5, 1 ओवर 7, इन पावर्स के बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे. हम एक क्लास को ले रहे हैं जो कि इवन रूट्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स क्यूब. अब 4 माइनस एक्स क्यूब के ऊपर जो अंडर रूट है, अंडर रूट हम जानते हैं कि वो 1 ओवर 2 पावर के इक्वल होता है. तो 4 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 ओवर 2, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1 ओवर 2,
एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू की होल पावर 1/4। इस तरह के तमाम फंक्शंस को किस तरह डील किया जाए। सो अगर आपके पास रूट फंक्शंस आते हैं जिनकी इवन पावर है, इवन रूट्स हैं, तो उनकी डोमेन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, हम ये देखने जा रहे हैं। तो रूट फंक्शन के केस में ये होता है कि हमने ये चीज़ देखनी होती है कि उस अंडर रूट के या फिर उस रूट के अंदर की जो टर्म है वो नेगेटिव ना हो। अगर वो नेगेटिव बन जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाते हैं। तो हमने क्या देखना है कि रूट की इनर टर्म नेगेटिव ना हो, और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने फाइंड आउट करना है इसकी डोमेन को। क्योंकि ये इन्फिनिट का केस नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट करें माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट के अलावा, वो इस टर्म को इन्फिनिट नहीं बना सकती, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना सकती है अगर ये इनर टर्म, जो ये इनर टर्म्स हैं, ये नेगेटिव हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसकी डोमेन को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने क्या करना है कि ये इनर टर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसे इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक्स कौन सी वैल्यूज़ इसके इनर टर्म को ज़ीरो बनाती हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर आ गया एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू इसका आंसर आ गया। सो इस x की वैल्यू से हम तीन तरह के इंटरवल्स को जनरेट कर सकते हैं। एक इंटरवल वो जो माइनस टू से लेकर प्लस टू तक जा रहा हो, दूसरा इंटरवल जो कि माइनस टू से लोअर वैल्यूज़ का हो लाइक माइनस इन्फिनिट से लेकर माइनस टू तक, और एक ऐसा इंटरवल जो कि टू से ग्रेटर का हो, जो कि है टू से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। तो इसमें हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को कवर कर लिया है। अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिट से माइनस टू तक, देन माइनस टू से टू तक एंड देन टू से प्लस इन्फिनिट तक। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा इंटरवल उसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो जो इंटरवल उसको कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा हम उसको निकाल देंगे, और जो रिमेनिंग होंगी, जो उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही, वो हमारी डोमेन होगी। तो सबसे पहला इंटरवल हमने माइनस टू से प्लस टू का लिया, और इसमें हमने पुट किया एक्स इजिकल्स टू वन ओरिजिनल फंक्शन में। तो जब इस वैल्यू को हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास वैल्यू जो आंसर आया है वो है अंडर रूट माइनस थ्री। नेक्स्ट में हमने पुट किया एक्स इजिकल्स टू माइनस वन, जो कि उसी इंटरवल का हिस्सा है। तो जब वो हमने पुट किया तो हमारे पास अगेन जो आंसर आया है वो है अंडर रूट माइनस थ्री। तो इससे हमें ये पता चला कि x की वो तमाम वैल्यूज़ जो कि इस इंटरवल में लाए कर रही हैं, वो उसके रूट के इनर टर्म को नेगेटिव बना रही हैं। सो दीज वैल्यूज़ ऑफ x आर मेकिंग द फंक्शन कॉम्प्लेक्स। तो डोमेन में हम क्या करेंगे कि उसको इरेडिकेट कर देंगे, और जो रिमेनिंग है वो उसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिट से माइनस टू तक और टू से लेके प्लस इन्फिनिट तक। कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो उस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी और ना ही इन्फिनिट बनाएगी। सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। और यूनियन हमने इसमें डाला है क्योंकि ये और ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन माइनस टू से टू तक के दरमियान का जो इंटरवल है उसमें जो वैल्यूज लाई कर रही हैं वो रूट को कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। सो इसकी हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स क्यूब। अब ये भी एक इवन रूटेड फंक्शन है, क्योंकि 4 माइनस एक्स क्यूब के ऊपर स्क्वेयर रूट है जो कि 1/2 को शो करता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम इनर टर्म को ज़ीरो को इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जब हमने इसके ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 4 पावर 1/3। अब ये हमारे पास वन वैल्यू ऑफ x निकली है, तो इससे हम इंटरवल जनरेट करेंगे, टू पॉसिबल काइंड ऑफ इंटरवल जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से हम निकालेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x वी कैन मेक टू इंटरवल्स। दो इंटरवल इसमें से बन सकते हैं। एक वो इंटरवल जिसमें x की वो तमाम वैल्यू शामिल हों जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पावर 1/3 हों, और दूसरा इंटरवल हो सकता है x की वो वैल्यूज जो लेस देन आर इक्वल टू 4 पावर 1/3 हो।
जबकि 4^1/3 की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो कि 1.587 है, ठीक है। तो हमने सेट ऑफ रियल नंबर को टू ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, एक वो जिसमें वो वैल्यूज आ रही हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4^1/3 हैं, और दूसरी वो जो लेस देन और इक्वल टू 4^1/3 हैं। अब ये दो एक्सट्रीमा जो हमने देख लिए हैं, इनको हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा इंटरवल हमारे फंक्शन को इन्फिनिट बना रहा है या कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो इंटरवल हम छोड़ देंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको हम ले लेंगे एज अ डोमेन। सो इसमें हमने क्या किया कि हमने चेक किया इंटरवल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4^1/3। 4^1/3 को हम 1.587 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम ग्रेटर और इक्वल टू 4^1/3 वैल्यू हमने x इक्वल टू 2 पुट किया है। तो ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया हमने 4 - x³ था, तो 4 - 2³ किया हमने, और जब वैल्यू हमने निकाली इसकी सॉल्व करके तो वो √-4 आई है, जो कि बता रही है कि वो तमाम वैल्यूज जो कि ग्रेटर हैं 4^1/3 के, वो इस रूट को नेगेटिव बना रही हैं। सो नेक्स्ट हमने इंटरवल चेक करना है x इज लेस देन और इक्वल टू 4^1/3। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये इंटरवल सेटिस्फाई करता है हमारी कंडीशंस को, और क्या ये डोमेन में इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हम वो वैल्यूज पुट करेंगे जो लेस हैं 4^1/3 से। तो x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया, एंड जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आया √3। सो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स रूट, सो हमें एक रियल रूट मिला है। सो वो तमाम वैल्यूज ऑफ x जो लेस हैं या इक्वल हैं 4^1/3 के, वो डोमेन में इंक्लूड हो सकती हैं। सो हमने लिखा डोमेन इक्वल टू −∞ to 4^1/3। 4^1/3 से नीचे नीचे तमाम वैल्यूज जो कि −∞ तक जा रही हैं, −∞ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उससे आगे तमाम वैल्यूज और 4^1/3 और उससे पीछे तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है, और ये क्लोज ब्रैकेट ये शो कर रही है कि इसके साथ वाला जो भी डिजिट है वो उस इंटरवल में इंक्लूडेड है, और ये ओपन ब्रैकेट है जो शो करती है उसके सामने वाला कोई भी डिजिट है वो उस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। तो माइनस इन्फिनिट नहीं, लेकिन इसके पीछे और 4^1/3 इंक्लूडेड है, क्योंकि वो फंक्शन को ज़ीरो बना रहा है ना कि उसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सो इट इज़ परमिसिबल फॉर अ फंक्शन टू बी ज़ीरो। सो ये इंक्लूडेड है और इससे पीछे तमाम वैल्यूज। तो जब भी आपके पास कोई इवन रूटेड फंक्शन आए तो सबसे पहले आपने उसके रूट के अंदर वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। ज़ीरो को इक्वल पुट करने के बाद आपने एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है और उससे इंटरवल्स को जनरेट करना है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उन इंटरवल्स को जनरेट करने के बाद आपने चेक करना है उन इंटरवल्स में लाई करने वाली कुछ वैल्यूज़ को पुट करके ओरिजिनल फंक्शन में। तो जो इंटरवल उसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो आपने निकाल देने, वो जो उसे रियल रिजल्ट दे रहा है, रियल रिजल्ट्स ला रहा है, उसे आपने इंक्लूड कर लेना है उसकी डोमेन में। नेक्स्ट हम फ्रैक्शनल फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। फ्रैक्शनल फंक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में वेरिएबल लाइक आ रहा हो, एटलीस्ट वन वेरिएबल। सो जैसे कि y इज इक्वल्स टू 1/x, डिनोमिनेटर में x आ रहा है। y इज इक्वल्स टू 1/1+√x, इसमें भी डिनोमिनेटर में x आ रहा है। तो वो तमाम फंक्शन जिनके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा हो उन सबको हम फ्रैक्शनल फंक्शंस कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन है लाइक y इज इक्वल्स टू 3/2x, फॉर एग्जांपल ऑफ द टाइप 3/2, लेट वी से 3x/2, सो ये फंक्शन फ्रैक्शनल नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। सो ये एक लीनियर फंक्शन है और सिंपल फंक्शन हम कह सकते हैं। तो फ्रैक्शनल फंक्शंस में लाइक ऑल अदर फंक्शंस हमने यही देखना होता है कि x की वो वैल्यूज़ ना आ रही हों डोमेन में जो कि उसे कॉम्प्लेक्स बना रही हों या इन्फिनिट बना रही हों। तो सबसे पहला हम केस देख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1/x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाए तो वो उस फंक्शन को इन्फिनिट बना देता है।
तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने एक्स की वो सारी वैल्यूज सेट ऑफ रियल नंबर्स से निकालनी है जो इस फंक्शन को जो डिनोमिनेटर में है उसे ज़ीरो बना रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे टू फाइंड आउट दैट विच वैल्यूज ऑफ एक्स आर मेकिंग दैट फंक्शन इन द डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर जो कि एक्स है उसे ज़ीरो के इक्वल पुट किया है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही वो टर्म है जो हमारे फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स को इन्फिनिट बना रही है। तो एक्स की वो तमाम वैल्यूज़ जो हमारे डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रही हैं वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं होंगी। सो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो जैसे कि हमने रूट्स के केसेस में किया था, हम एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स की इस वैल्यू के थ्रू टू इंटरवल्स को जनरेट करेंगे जो कि होंगे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स आ गया, वन ओवर वन आया और इक्वल टू वन आ गया। सो दिस इज़ परमिसिबल। देन हमने चेक किया एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो जब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की लाइक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन जो कि लेस देन है ज़ीरो के हमने पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया माइनस वन विच इज़ परमिसिबल। ये ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर है और ना ही इन्फिनिट बना रहा है फंक्शन को। सो नाउ वी आर पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्योंकि हमने जो इंटरवल्स को जनरेट किया है उनमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड था। तो ज़ीरो हम पुट करते हैं और जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ये इन्फिनिट बना, तो इट मीन्स कि हमारे इंटरवल्स में वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो कि ग्रेटर हैं ज़ीरो के, जो लेस हैं ज़ीरो के, लेकिन ज़ीरो नहीं इंक्लूड होगा उनमें क्योंकि ज़ीरो उन फंक्शंस को, हमारे फंक्शन को इन्फिनिट बना रहा है। सो हमारे रिक्वायर्ड इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हम डोमेन को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो तक, ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ की है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है एंड यूनियन, फिर ओपन ब्रैकेट ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिट तक, ये तमाम वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं सिवाय ज़ीरो के। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम जो करने जा रहे हैं वो वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर वन प्लस अंडर रूट एक्स है। अब इसमें क्या है, इसमें स्पेशल क्या है कि ये एक फ्रैक्शनल केस भी है और एक ये रूट केस भी है। इसमें स्क्वेयर रूट भी इन्वॉल्व है और इसमें एक फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसे एज अ फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं और इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं और वो देखते हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो इसके डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना सकती हैं। फिर हमने इसमें पुट किया है वन प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर था, उसे इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस वन। सो अब हम जानते हैं कि रूट्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं, तो एक्स की कोई भी वैल्यू माइनस वन रिजल्ट नहीं कर सकती, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू माइनस वन इज़ नॉट अ ट्रू रिजल्ट। सो इसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं लाइक इफ़ अंडर रूट एक्स इक्वल टू माइनस वन, सो हम दोनों में साइड पे स्क्वेयर ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आ गई है वन। तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके कि क्या ये उसको ज़ीरो बना रहा है या नहीं। तो पुटिंग इन डिनोमिनेटर टर्म टू चेक अप वेदर योर रिजल्ट इज़ ट्रू आर नॉट। सो वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर वन प्लस अंडर रूट वन और इसमें वन पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो वन ओवर टू आया है जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो नन वैल्यू ऑफ एक्स कैन मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने ये तो चेक कर लिया कि एक्स की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं कर रही, इट मीन्स कि एक्स की कोई भी वैल्यू हमारे फंक्शन को इनफाइनाइट नहीं बना रही, लेकिन हमारे पास स्टिल अंडर रूट मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो जिसके लिए हम रूट वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर रही है। तो क्योंकि फ्रैक्शनल वाला केस तो हमारे पास न्यूट्रल निकल आया है और ऐसी कोई एक्स की वैल्यूज़ नहीं है जो कि उसे इनफाइनाइट बनाए, सो जो रूट के रिजल्ट में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वही हमारे पास डोमेन्स होंगी।
सो उसके प्रोसीजर में हम जानते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, इनर टर्म है, उसे हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट टर्म है अंडर रूट एक्स, तो उसका इनर टर्म जो है वो एक्स है, जिसे हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो इस वैल्यू ऑफ एक्स के थ्रू हम दो इंटरवल्स को अगेन वही प्रोसीजर होगा जनरेट करेंगे, एक होगा एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा होगा एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो हम फर्स्ट इंटरवल को चेक करते हैं विच इज़ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस वन जब हमने इस फंक्शन में पुट किया वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर वन प्लस अंडर रूट एक्स में, तो जब हमने इसमें x इज इक्वल्स टू माइनस वन पुट किया तो जो रूट टर्म है वो नेगेटिव बन चुकी है और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो चुका है, तो जो इंटरवल x इज लेस देन ज़ीरो है वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो के लिए, तो जब हम इसमें x इज इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि अंडर रूट वन आंसर आया है, और अल्टीमेटली जो आंसर आया है इस फंक्शन का y का वो वन ओवर टू है। सो x is greater than or equal to 0 is in domain, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये ना इसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना इसे इन्फिनिट बना रहा है। सो 0 टू प्लस इन्फिनिट इज द डोमेन, इज द रिक्वायर्ड डोमेन, और जिसमें 0 इंक्लूडेड है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ की है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 भी अगर हम उस फंक्शन में पुट करते हैं तो ना वो इसको इनफाइनाइट बनाता है और ना उसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड and plus infinite, all these values in this range are all these values that lie in this interval are in the domain of that function. Now the fourth type of function is polynomials. Polynomials kya hain? Polynomials wo tamam functions hain jinme x ki power greater than 1 hai, 1 hai, ya phir means it is a general term jo ke इस तरह की इक्वेशंस को शो करती है। इसमें लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती हैं, एंड हायर पावर की इक्वेशन सब के सब इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और मैंने लीनियर फंक्शंस को और पॉलीनोमियल्स को इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि इनकी रेंज फाइंड करने का मेथड दोनों का डिफरेंट है, जबकि डोमेन फाइंड करने का मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो दीज आर द पॉलीनोमियल्स, एंड इनका मेथड लीनियर फंक्शन जैसा ही है, लाइक दे आर डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और इनकी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर होती है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। इट इज़ बिकॉज इनकी कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट मेकिंग इट इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स, सो दैट्स वाई ये इनका सेट ऑफ रियल नंबर होगा इस तरह के पॉलीनोमियल्स का। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के पॉलीनोमियल्स आ रहे हैं लाइक वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर वन ओवर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर वन ओवर फाइव माइनस थ्री, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक्स की पावर वन ओवर थ्री है, एक्स की पावर वन ओवर फाइव है, यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं इनकी पावर ऑड है, ठीक है। और ऑड पावर फंक्शन की ये एक करेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर वाली टर्म, इनके इनर टर्म बेशक नेगेटिव हो, बेशक पॉजिटिव हो, बेशक ज़ीरो हो, बेशक कुछ भी हो, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट नहीं करते। तो वो तमाम पॉलीनोमियल जो इस फॉर्म के हों या फिर इस फॉर्म के हों जिनमें रूट्स इन्वॉल्व हों लेकिन ऑड पावर रूट्स इन्वॉल्व हों, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हों और जो इस तरह की फॉर्म्स में हों, तो इनकी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स ना इन्हें इन्फाइनाइट बना सकती है और ना ही इन्हें कॉम्प्लेक्स बना सकती है। लेकिन हमारे पास फंक्शंस हों, पॉलीनोमियल्स हों इस तरह के जिनमें जो पावर्स हैं वो इवन रूटेड हैं, लाइक वन ओवर सिक्स है, वन ओवर टू है, और ये ऑड और सब्ट्रैक्ट हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शंस की डोमेन्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए। हमने अभी तक जो केसेस देखे थे इवन रूटेड फंक्शंस के, उनमें हमने एक को एट अ टाइम देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टू इवन रूटेड फंक्शंस आर देयर एंड दे आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और एडेड विद ईच अदर। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास टू टर्म्स हों रूट्स की और वो एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों या फिर डिवाइड हो रही हों या फिर मल्टीप्लाई हो रही हों, दोनों केसेस में, तो इस तरह के तमाम केसेस में डोमेन को कैसे फाइंड आउट किया जाए ये हम अभी देखेंगे। और दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम
वन जिसमें हमने एक फंक्शन को एट अ टाइम लिया था, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इनमें एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है. तो हम देखते हैं विद एग्जांपल्स कि वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हम पहले फिफ्थ टाइप ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कि उन फंक्शंस को कैसे उनकी डोमेन्स को फाइंड आउट किया जाता है. तो फिर ऐसे फंक्शंस जिनके साथ रिस्ट्रिक्शंस गिवन हों, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 एंड इट इज़ डिफाइंड इफ़ एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1. यहाँ पे इन फंक्शंस के केसेस में ये होता है कि डोमेन्स हमें गिवन होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं एंड दे सी दैट दिस फंक्शन एंड इसके अकॉर्डिंग वो डोमेन को फाइंड कर लेते हैं. इसका डोमेन क्लियरली सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन को हमने देखना है डोमेन फाइंड करने के लिए, ना कि इसको देखना है. ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनके साथ रिस्ट्रिक्शंस, जिनके साथ कंडीशंस गिवन हो, हमने उन कंडीशंस को देखते हुए डोमेन को फाइंड करना है, ना कि उस फंक्शन को देखते हुए. तो एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 शोज दैट द डोमेन इज माइनस इन्फिनिट टू प्लस 1 विथ 1 इंक्लूडेड इन द सेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है. अगर यहाँ इक्वल का साइन ना होता तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करते, यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है. तो इस तरह की तमाम फंक्शंस जो हैं उनकी हमें कंडीशन जो गिवन होती है उसी कंडीशन से हम डोमेन को डिराइव करते हैं, ना कि उस फंक्शन को देखते हुए. नेक्स्ट आते हैं पीसवाइज फंक्शंस. पीसवाइज फंक्शन जो हैं जो अभी हमने टाइप पढ़ी है उसी की तरह के होते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा हमें फंक्शंस गिवन होते हैं, उनकी कंडीशंस गिवन होती हैं. तो इनका हम डोमेन, इनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको हम पीसीज में ही फाइंड करते हैं और लास्ट में हम उन्हें कंबाइन कर लेते हैं. कम्बिनेशन और कंबाइनिंग द डोमेन्स भी से हम कहते हैं. सो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, देन हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, और दोनों फंक्शन की अलहदा से फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए इन दो फंक्शंस की डोमेन को उनका यूनियन फाइंड कर लेंगे. यूनियन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना. तो सबसे पहला पार्ट वन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, और इसकी कंडीशंस हमें गिवन हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1. तो ये हमें जो इंटरवल बता रही है वो है 0 से लेकर 1 तक. और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स यूज होंगे. तो ये डी ऑफ 1 फर्स्ट टर्म का हमें पता चल गया है क्या डोमेन है. सेकंड टर्म है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, और इसकी कंडीशन जो गिवन है हमें वो है 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2. यहाँ पे लेस देन लिखा है लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ये आपने ध्यान से देखना है. सेकेंड फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास 1 से लेकर 2 तक आ जाएगी, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसमें इक्वल का साइन नहीं था, जबकि 2 के टर्म में हमारे पास इक्वल का साइन था. दैट्स वाई वो यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ की है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ की है. तो अब जो डोमेन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, वो इन दोनों फंक्शंस की डोमेन का यूनियन हो जाएगी. तो 0 to 1 यूनियन 1 to 2. अब देखें कि ये 1 पे ख़त्म हो रही है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं 0 to 2, जिनमें 2 भी इंक्लूडेड है 0 भी इंक्लूडेड है. हम एक तरह का यूनियन फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो तमाम वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी. इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इसमें है, दैट्स वाई हमने इसका यूनियन फाइंड कर लिया. अगर हमारे पास इस तरह की टर्म होती 0 to 1, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती एंड यहाँ पे क्लोज, यूनियन 1 to 2, तो हम इसको अब ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि अब इसमें 1 दोनों केसेस में इंक्लूडेड नहीं है. तो ये हम इस तरह नहीं लिख सकते अगर इस तरह का केस होता, लेकिन यहाँ पे एक में 1 है और एक में नहीं है, तो क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो हमने 1 को भी इंक्लूड करना है. फिर आती है सेकंड एग्जांपल, जिसमें एब्सोल्यूट फंक्शन को हमने लिया है. हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस 3, और हम जानते हैं कि इसे हम पीस वाइज फंक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं. सो एक्स माइनस 3 द पॉजिटिव फंक्शन विल बी टेकन इफ द फंक्शन इनसाइड द एब्सोल्यूट बार्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.
एक्स माइनस थ्री इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और अगर हम इस माइनस थ्री को उस साइड पे ले जाएं तो इस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू थ्री, और ये फंक्शन नेगेटिव लिया जाएगा इफ़ एक्स माइनस थ्री जो कि एब्सोल्यूट जो बार्स हैं उनके अंदर की टर्म है वो लेस देन ज़ीरो हो। अगर एक में आपने इक्वल टू ज़ीरो यूज़ कर लिया तो दूसरे में आप इक्वल नहीं यूज़ करते होते, उसमें आप इक्वालिटी यूज़ नहीं करते होते क्योंकि एक में आप कर चुके हैं। सो इस टर्म को सेम लाइक हमने जो इसमें किया था माइनस थ्री को उधर ले गए तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो एक्स इज़ लेस देन थ्री। तो हमने डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकाला, फर्स्ट फंक्शन है x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री अब ये देखें x माइनस थ्री को देखते हुए हमने डोमेन नहीं निकालनी बल्कि ये कंडीशन को देखते हुए हमने डोमेन निकालनी है। तो इस कंडीशन के थ्रू हमने जो डोमेन निकाली वो क्या होगी, x की वो तमाम वैल्यू जो थ्री और थ्री से ग्रेटर हों, तो थ्री से लेकर प्लस इन्फिनिट तक विथ थ्री इंक्लूडेड। तो सेकंड फंक्शन की डोमेन हमने इसको नहीं देखना बल्कि इसको देखना है, तो x इज़ लेस देन थ्री, तो थ्री से लेस तमाम वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड होंगी, थ्री नहीं होगा उनमें, तो माइनस इन्फिनिट से लेकर थ्री तक। नेक्स्ट में हम इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे ताकि इनकी डोमेन कंबाइंड डोमेन पता चल जाए, तो माइनस इन्फिनिट से थ्री यूनियन थ्री से प्लस इन्फिनिट, क्योंकि एक में थ्री इंक्लूडेड है सो ये थ्री पे एंड हो रहा है, ये थ्री पे शुरू हो रहा है और इसमें थ्री इंक्लूडेड है, सो हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इनके जो एक्सट्रीम पार्ट हैं वो जस्ट अपीयर हो जाएंगे माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, जैसा कि पिछले केस में हमने देखा था उसमें एक्सट्रीम जो पार्ट्स थे वो ज़ीरो और टू थे, तो हमने उनको ज्वाइन कर दिया तो ज़ीरो टू टू हमारे पास रेंज आ गई थी। नेक्स्ट हम जो सेपरेटली हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ डोमेन्स और कंबाइनिंग द डोमेन्स। हमने पीस वाइज फंक्शन में देखा कि हम दोनों फंक्शंस की अलग अलग से डोमेन्स निकालते हैं जो कि उनकी कंडीशन से डिराइव की जाती हैं, ठीक है, उन कंडीशन से डिराइव की जाती हैं, उन पीस वाइज फंक्शन की डिफरेंट डोमेन्स हमने फाइंड की और लास्ट में हमने उनका यूनियन फाइंड कर लिया, तो ये कंबाइनिंग द डोमेन्स कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के फंक्शन हैं जैसे कि पीछे हमने पॉलिनोमियल्स के केस में भी देखा था, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, वो सॉल्व होते हैं एलिमिनेशन ऑफ डोमेन से या इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन से। ये यूनियन ऑफ डोमेन था जो अभी हमने पीस वाइज फंक्शन के लिए देखा था, अभी हम इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन और सिंगल फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, ये पीस वाइज फंक्शंस के लिए नहीं है, लेकिन पीस वाइज फंक्शन में अगर एक फंक्शन ऐसा है तो उसकी भी ऐसे ही फाइंड आउट की जाएगी, लेकिन एज अ होल जब आप एफ ऑफ एक्स जो कि पीस वाइज है उसका निकालने जाएंगे तो उन दोनों का आपने यूनियन फाइंड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि ऐसा है अंडर रूट एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, अब ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन भी है और एक रूटेड फंक्शन भी है, इवन रूटेड फंक्शन, अगर ये ऑड रूटेड फंक्शन होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये इवन रूटेड है और इसकी डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वन, तो हम इसमें ये इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन मैथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि इसमें रूट टर्म भी है और फ्रैक्शनल टर्म भी है, और हम जानते हैं रूट टर्म के लिए एक मेथड यूज़ होता है और फ्रैक्शनल टर्म के लिए एक दूसरा मेथड यूज़ होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रूट टर्म के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उस रूट को नेगेटिव बना रही हैं। तो हमारे पास रूट टर्म है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री, तो अगर हम देखें अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री, अब इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स की कोई भी वैल्यू इसके अंडर रूट के इनर टर्म को ज़ीरो नहीं बना सकती। आप इसमें ज़ीरो पुट करें, माइनस थ्री पुट करें, प्लस थ्री पुट करें, जो भी वैल्यू आप पुट करें वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं इसके इनर टर्म को नेगेटिव नहीं बना सकती, तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। फिर हम दूसरा पार्ट लेते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट की डोमेन निकाल ली है, आप दूसरे पार्ट की निकालते हैं, दूसरा पार्ट क्या है इसको छोड़ के जो बच गया वन ओवर एक्स प्लस वन, तो इसकी जब हमने डोमेन निकाली तो अब वन ओवर एक्स प्लस वन है, तो एक्स की कौन सी वैल्यू जो है इसके डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना सकती है, ये आप मेथड पढ़ चुके हैं, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, तो आपको वो मिल जाएंगी इसकी डोमेन, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसकी डोमेन जो रिज़ल्ट होगी
सेपरेटली वो ये होगी। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन था उसकी डोमेन निकालनी है। तो उसकी डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हमने ये एक फंक्शन की डोमेन लिखी इंटरसेक्शन, फिर दूसरे फंक्शन की डोमेन लिखी। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और ये सिलेक्टिव नंबर्स हैं। तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं और ये नंबर। अब कौन से नंबर्स हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, वो ये नंबर हैं ऑब्वियसली। तो ये इसकी डोमेन आ गई। सो अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू, या फिर जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स के केसेस में देखा था, वो तमाम वैल्यूज जो रूट के अंदर ज़ीरो बना रही हैं हमने वो फाइंड करनी है, इंटरवल्स फाइंड करने हैं, चेक करना है कौन से इंटरवल्स नेगेटिव बना रहे हैं उसके रूट को, और फिर हमने फर्स्ट के लिए निकालना है, देन सेकेंड के लिए निकालना है, और इनका सेपरेटली निकालने के बाद हमने फाइंड आउट करना है उसकी डोमेन्स को। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की जो सेपरेट डोमेन्स आई हैं उनका इंटरसेक्शन लेके। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है और इनका सलूशन जो है आपने फाइंड आउट करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम रेंज ऑफ अ फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन को कवर करेंगे, उसमें हम देखेंगे इनके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में आप इनके सॉल्यूशंस को देख लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि आपको ये लेक्चर कितना अच्छा समझ आया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ आए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में किसी भी तरह से कवर कर लूँगी। और अगर आपको इसका कंटेंट जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है वो अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और मेरी जो भी वीडियोस आगे आएंगी उन्हें फॉलो करना। ये आपको फ़ायदा देंगी, स्पेशली दो स्टूडेंट हु आर इन बीएस फिजिक्स और बीएस मैथ्स में भी हैं, या फिजिक्स या मैथ्स पढ़ रहे हैं, या फिर जिन्हें इंटरेस्ट है इसमें। थैंक यू सो मच।